आज का ये वीडियो हर उस भारतीय को देखना चाहिए जिसे अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। आज बात करेंगे भारत के शेर और कारगिल के हीरो परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिनके ऊपर एक मूवी बन रही है जिसका नाम है शेरशाह, और इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कहानी भारत के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा की। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की और चंडीगढ़ की डीएवी कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दौरान ही वो एनसीसी के बेस्ट कैडेट चुने गए और साथ ही उनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हुआ। लेकिन उन्हें तो बचपन से कुछ अलग करने का जुनून था, इसीलिए उन्होंने मर्चेंट नेवी की लाखों की नौकरी छोड़कर देश की सेवा करने के लिए आर्मी में जाने का फैसला लिया। साल 1996 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 6 दिसंबर 1997 को एकेडमी से पास आउट होकर वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल में शामिल हुए। जब कारगिल युद्ध हुआ तब विक्रम बत्रा को आर्मी में सिर्फ 18 महीने हुए थे। जब वो छुट्टी के दौरान अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठे हुए थे तब उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि विक्रम, कारगिल में युद्ध शुरू हो गया है तो तुम अपना ध्यान रखना। तब विक्रम बत्रा ने कहा, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर उसमें लिपट कर आऊँगा। और तभी उन्हें ऑर्डर आया कि उन्हें अपनी यूनिट के साथ कारगिल जाना होगा। कॉलेज के दिनों में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और वो युद्ध से लौटकर उससे शादी करने वाले थे। विक्रम बत्रा युद्ध से लौटे तो सही मगर तिरंगे में लिपट कर। विक्रम बत्रा की याद में उस लड़की ने आज तक शादी नहीं की। ऐसा प्यार बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है। कारगिल पहुंचने के बाद विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट की सीधे युद्ध में तैनाती नहीं हुई, बल्कि उनकी यूनिट की हाई एल्टीट्यूड एक्रोमेटाइज के लिए ट्रेनिंग दी गई। लेकिन तब तक युद्ध भीषण रूप ले चुका था। पाकिस्तानी सेना कारगिल की ऊंची चोटियों पर बैठी हुई थी और ऊपर से नीचे हमला करना तो बहुत आसान था, लेकिन नीचे से ऊपर हमला करना बहुत ही मुश्किल। इसीलिए कारगिल युद्ध को बहुत ही कठिन माना गया है। 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजपूताना राइफल्स को तोलोलिंग पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और हमारे जवानों ने 13 जून 1999 को तोलोलिंग पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन हमें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। जितना मुश्किल तोलोलिंग पर कब्जा करना था उतना ही मुश्किल था उस पर कब्जा बनाए रखना, क्योंकि अभी भी वहाँ की सबसे ऊंची चोटी 0.5140 पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था। इसीलिए 0.5140 पर कब्जा करना बेहद जरूरी था। 19 जून को 0.5140 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई 13 जैकरिफ को, जिसमें लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव जामवाल को 2 कंपनियों की कमान सौंपी गई। 0.5140 पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये पहाड़ बहुत चट्टानी थे और ऊपर चढ़ते समय कोई कवर भी नहीं था। दुश्मन की नज़र पड़ते ही वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते, इसीलिए रात के अंधेरे में 13 जैकरिफ के जवानों ने चढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन पाकिस्तानी सेना भी सावधान थी, वो बार बार फ्लेयर की रोशनी में देख रही थी कि कहीं कोई ऊपर तो नहीं आ रहा। अब अगर चढ़ाई करनी थी तो दुश्मन का बंकर में रहना जरूरी था, और ऐसा करने के लिए तोप के गोले खोल दिए गए। जब हमारे जवान दुश्मन के 200 मीटर के दायरे में पहुंचे तब तोप को रोक दिया गया, लेकिन तोप रुकते ही पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तब कैप्टन जामवाल और लेफ्टिनेंट बत्रा ने एक फैसला लिया कि जब तक वो दुश्मन के 100 मीटर के दायरे में न पहुंच जाए तब तक तोप चालू रहे। लेकिन ये फैसला बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि तोप के गोले हमारे जवानों को भी लग सकते। जैसे ही हमारे जवान दुश्मन के 100 मीटर के दायरे में पहुंचे तोप के गोले रोक दिए गए और चोटी के दोनों तरफ से कैप्टन जामवाल और लेफ्टिनेंट बत्रा की कंपनियां दुश्मन पर टूट पड़ी। विक्रम बत्रा ने पहले बंकर में ग्रेनेड फेंका और उसे तबाह कर दिया और फिर दूसरे बंकर पर हमला किया। विक्रम बत्रा को इतनी बहादुरी से लड़ते देख उनके जवानों में भी जोश भर गया। विक्रम बत्रा और कैप्टन जामवाल की कंपनियों ने दुश्मन के 7 बंकरों को तबाह कर दिया और 0.5140 पर तिरंगा फहरा दिया। विक्रम बत्रा ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने बिना किसी कैजुअल्टी के 0.5140 पर कब्जा कर लिया है, और साथ ही कहा, ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा की बहादुरी देख उन्हें रणभूमि में ही लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया गया। अब बारी थी मस्को की चोटियों को जीतने की। इसके लिए विक्रम बत्रा की यूनिट 13 जैकरिफ और साथ ही 2 और यूनिट को बुलावा भेजा गया। 0.4875 पर अभी तक पाकिस्तानी सेना का ही कब्जा था और वहाँ कैप्टन नवीन 36 घंटों से अपनी टीम के साथ पाकिस्तानी सेना का सामना कर रहे थे। अब 0.4875 को जीतने की जिम्मेदारी दी गई कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम को। कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम था शेरशाह, और एक बार पाकिस्तानी सेना ने रेडियो पर उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि शेरशाह आगे मत बढ़ना वरना तुम्हारी लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। तब विक्रम बत्रा ने कहा था कि तुम हमारी परवाह करना छोड़ दो और अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह से दुआ करना। 0.4875 की चढ़ाई बहुत सीधी थी। रात के अंधेरे में ही उन्होंने चढ़ाई करना शुरू कर दिया।
सवेरा होते होते वो तीन गन पोजीशन को तबाह कर चुके थे। उजाला होते ही अटैक करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि ऊपर बैठी पाकिस्तानी सेना आसानी से हमारे जवानों को देख सकती और उन पर हमला कर सकती। लेकिन फिर भी विक्रम बत्रा अपने जवानों के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे और वो भारतीय सेना के उस बंकर में पहुंचे जहां कैप्टन नवीन घायल हालत में पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे थे। विक्रम बत्रा ने कवर फायर देते हुए अपने कुछ साथियों के साथ कैप्टन नवीन को वापस नीचे भेज दिया और खुद बंकर से बाहर निकलकर पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े। काफ़ी सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के बाद एक गोली उनके सीने में आ लगी, लेकिन फिर भी वो फायर करते रहे। कैप्टन विक्रम बत्रा को घायल देख उनके सैनिक गुस्से से पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े और 0.4875 को जीत लिया। लेकिन इस लड़ाई में भारत ने अपने शेर कैप्टन विक्रम बत्रा को खो दिया। जैसे तानाजी के विषय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि गढ़ डाला पर सिंह गेला, उसी प्रकार आज हम कह रहे हैं कि हमने उस वक्त 0.4875 को तो जीत लिया पर हमने अपने कैप्टन विक्रम बत्रा को खो दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा को अपनी बहादुरी के लिए 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 जहाँ विक्रम बत्रा शहीद हुए उस पीक को कैप्टन विक्रम बत्रा की याद में बत्रा टॉप कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल मिशन मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।